हम देख रहे हैं कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री को कितना डर हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के नाम से। सुबह हो या शाम हो, भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से रोके, बस यही सोच मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं। हमारे सोर्स ऑफ कुछ इंफॉर्मेशन से हमें यह पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री 24 आवर्स उनको नींद नहीं आ रही, क्योंकि एक बार तो मुख्यमंत्री बन गए, दो बार धोखे से मुख्यमंत्री बन गए, तीन बार कैसे मुख्यमंत्री बने, क्योंकि तेलंगाना की जनता को एक बार धोखा दिया जा सकता, दो बार चलो जो मुख्यमंत्री ने जो झूठे आश्वासन दिए शायद वो पूरा करेगा, एक और एक एक बार मुख्यमंत्री को तेलंगाना की जनता ने विश्वास करके जिता दिया। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो सर्वे करवाया कि मैंने एक बार झूठ बोला, दूसरी बार झूठ बोला, तीसरी बार मेरा झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाले समय में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, यह तेलंगाना की जनता का मुंह है। मुख्यमंत्री ने सर्वे करवाया, जान लिया कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, स्ट्रांग हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। संजय जी संघर्ष कर रहे हैं, मंच पर उपस्थित जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारीगण हैं, जो इनकी गलतियां हैं, जो पिछले 7-8 सालों से जो इन्होंने तेलंगाना में जो स्कैम किए हैं, तेलंगाना की जनता को जो इन्होंने धोखा दिया है, मंच पर उपस्थित सभी लोगों ने सभी चीज मुख्यमंत्री देखकर अब उनको एक भय पैदा हो चुका है कि आप मेरी दुकान बंद होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी गणों ने फार्म हाउस से प्रगति भवन तक लाया, प्रगति भवन से आज रोड पर लाकर मुख्यमंत्री को खड़ा कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह बात कही थी कि हम तुझे सोने नहीं देंगे, आज वो प्रूव हो चुका है। आज हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री 2.5 घंटे प्रेस मीट लगाते हैं, 2 घंटे 30 मिनट उनका प्रेस मीट होता है, सब्जेक्ट होता है कि आज हम बजट पर चर्चा करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है बजट पे तो कोई चर्चा होती नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही टारगेट होती है, और टारगेट भी किस प्रकार का, एक मुख्यमंत्री एक स्थाये पर रहकर, एक पदवी पर रहकर कुक्का नक्का राल तोन कुट्टाले दीन तोन कुट्टाले इतने गंदे शब्दों का उपयोग एक मुख्यमंत्री करता है तेलंगाना का, ये दुर्भाग्य की बात है। हम लोग भी वो शब्दों का उपयोग कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री पागल हो चुका है, कुत्ते में और इसमें कोई अंतर नहीं है, ऐसे पागल कुत्ते को हम जेल में डाल दे, हम ऐसा बोल सकते, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हमें सिद्धांत सिखाया है, मर्यादा से आगे बढ़ना सिखाया है, हम वो शब्द उपयोग नहीं कर सकते।